वहीं कोरोना महामारी के दौरान अधिकतर लोग अपना समय घर पर ही बिता रहे हैं और ऐसे में घर से ही वो काम भी करते हैं। ऐसे में घर का साफ रहना और उसको साफ रखना भी बेहद जरूरी हो जाता है। विशेषज्ञों की माने तो हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखने से आप खुद को और दूसरों को जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बचा सकते हैं। आपका घर ही साफ नहीं होगा तो हो सकता है कि आप किसी नई मुसीबत में पड़ जाए। नहीं समझे तो देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर के लोग कोरोना महामारी के कारण एक असाधारण जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ज्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे हैं और अपना अधिकतर समय घर में ही बिताते हैं और ऐसे में घर की साफ सफाई का खास ख्याल रखना काफी अहम हो जाता है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना वायरस के हवा में 3 घंटे तक रहने की बात सामने आई है। कार्डबोर्ड जैसी चीजों पर ये वायरस 24 घंटे तो प्लास्टिक और स्टील के बर्तनों पर ये वायरस 3 दिनों तक जीवित रह सकता है। लेकिन आपको बता दें कि सही तरीके से की गई सफाई से कई तरह के कीटाणुओं को दूर किया जा सकता है। आपके घर में कई ऐसी जगह होती हैं जिनकी ठीक तरह से सफाई करना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि घर के किस हिस्से को साफ रखना सबसे जरूरी होता है और इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है बाथरूम और रसोई का, जहां सबसे ज्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। बाथरूम और रसोई में अलमारी और ड्रॉर के सभी हिस्सों की सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बारी आती है रेफ्रिजरेटर, सिंक, ओवन और टोस्टर की सफाई करने की। घर में रखे टीवी, एसी के रिमोट, गेम कंट्रोलर, कीबोर्ड, कंप्यूटर के माइक, मोबाइल को भी साफ करें। घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं और दरवाजों के नॉब या कुंडियां हैं, उन पर भी सबसे ज्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। आपको इन सब चीजों को साफ करना होगा। पर इन सब के बीच एक ऐसी चीज भी है जिसकी सफाई पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता और वो है आपका मोबाइल फोन और गैजेट्स। अमेरिका में की गई एक स्टडी में ये खुलासा किया गया है कि स्मार्टफोन में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। अब जबकि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी फैल चुकी है और लोग कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं, तो ये वक्त है कि आप अपने गैजेट्स को सैनिटाइज करें और साफ सुथरा रखें। अगर आप घर से बाहर जाकर साफ सफाई का सामान नहीं खरीद सकते हैं तो घर में ही मौजूद सिरके यानी विनेगर से आप ऐसा कर सकते हैं। आप करीब 2 कप गर्म पानी लें और उसमें आधा कप विनेगर और अपना पसंदीदा एसेंशियल ऑयल की 10 बूंदें डालकर इस घोल को साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस घोल में एक साफ कपड़ा डुबोकर सभी चीजों की और अप्लायंसेस की सफाई करें। आपको ऐसा हफ्ते में एक बार जरूर करना है। तो वहीं आप नींबू का इस्तेमाल भी सैनिटाइजर के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए आप एक नींबू लें और उसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें। इसके बाद नींबू को 2 हिस्सों में काट लें, नींबू को नमक में लगाएं और फिर गंदगी वाले हिस्से जैसे कि खिड़की या दरवाजों के हैंडल पर रगड़ें। इससे दाग धब्बों के साथ साथ कीटाणु भी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप टी ट्री ऑयल, नींबू और नमक से भी अपने घर की सफाई कर सकते हैं। इन सब चीजों में कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है और इसके साथ ही आप अपने घर में छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं जो आपके कमरे में प्राकृतिक एयर प्यूरिफायर का काम करेंगे। हेल्प डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।